हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जितने भी आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आपके एसएससी सीपीओ 2020 में पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले लेक्चर्स को देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे कॉन्सेप्ट। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ मैं आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। और देखिए, आपके लिए चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, ये मान के चलिए, ठीक है। तो आपका सीपीओ का एग्जाम होना है नवम्बर के महीने में, इसके अलावा दिसंबर के महीने में आपका सीजीएल का एग्जाम होना है। तो हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक। तो आप देख सकते हैं हम क्या करने वाले हैं, जितने भी आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस जो आपके एसएससी सीपीओ 2020 में पूछे गए हैं, बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको इनका सॉल्यूशन मिलेगा। ये आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है कोई भी कॉम्पिटिटिव मैथ्स की तैयारी के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर्स एंड 18 आवर्स रेस्पेक्टिवली। यानी दो पाइप है ए और बी, जो कि 15 घंटे और 18 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं। अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये कह रहा है कितने घंटे में ये टैंक को भर देंगे। देखिए, मैं पिछले लेक्चर्स में मैंने जो आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करवाए हैं उनमें मैं इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। बाकी आप एलसीएम मेथड से तो कर ही सकते हो, बट दो के केस में आप जल्दी कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लेते हैं, एक बार और बता देता हूं, मान लेते हैं ए किसी टैंक को एक्स घंटे में भरता है, बी उसको वाई घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलके कितने घंटे में भरेंगे। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है दो के केस में कि एक्स प्लस में वाई अपॉन में एक्स वाई, ठीक। तो ये आपको अप्लाई करना है। देखिए, ए भर सकता है कितने में, 15 घंटे में, और बी भर सकता है उसको 18 घंटे में, ठीक है। तो दोनों मिलके कितने घंटे में भर देंगे, तो वही 15 इंटू में 18 अपॉन में, 15 प्लस में 18 कितना हो जाएगा, 33, ठीक। तीन से काटिए, तीन से काटेंगे तो आपका तीन से पांच बार, तीन से कटेगा 11 बार, कितना बन गया आपका, 18 पंजे 90 अपॉन में 11 कितना बनेगा, 11 अट्ठे 88, 8 सही 2/11 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए, ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 10 डेज एंड 5 डेज रेस्पेक्टिवली। लिख लेते हैं, देखिए, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को कर सकता है 5 दिनों में, ठीक है। दोनों का अगर हम एलसीएम लें, टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की आएगी 10 × 10 एक, और बी की आएगी 5 × 10 यानी कि 2, ठीक है। क्या कह रहा है, दे वर्क टूगेदर फॉर 2 डेज। देखिए, इन्होंने 2 दिन तक साथ मिलकर काम किया, ये 1 दिन में कितना काम करते हैं, 3 यूनिट, तो 2 दिन में 3 की एफिशिएंसी से कितना काम कर देंगे, 6। तो अगर इन्होंने 6 कर दिया है तो काम कितना बचा हुआ है, 4, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा है, आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाई सी, बी को हटा दिया गया और इसकी जगह पर सी आ गया, ठीक है, एंड दी वर्क वॉज फिनिश्ड इन दी नेक्स्ट 3 डेज। अब देखिए, जो आपका काम बचा कितना हुआ मुझे ये बताइए। देखिए, काम बचा हुआ आपका 4, तो ये कह रहा है जो बचा हुआ काम है उन्होंने ये अगले 3 दिनों में कर दिया, तो यानी कि ये जो 4 काम है 3 दिनों में कर दिया, किसने, बी, भाई बी को तो हटा दिया ए ने सी के साथ मिलकर, तो मैं कह सकता हूं कि ए और सी की मेरी एफिशिएंसी आ चुकी है 4/3, ठीक है। क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग सी अलोन फिनिश दी 60% ऑफ दी जॉब। अब देखिए, आप मुझे बताइए कि ये जो 4/3 एफिशिएंसी है ए और सी की है, ठीक है, जिसमें से अगर ए की एफिशिएंसी मैं 1 माइनस कर देता हूं तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरी, ठीक है भाई, 4/3 माइनस में 1 यानी कि आ जाएगी मेरी 1/3, तो सी की एफिशिएंसी आ चुकी है 1/3। अब कह रहा है ये जो टोटल काम है हमारा 10, ये सी से करवाना है आपको, ठीक है, 10 काम सी से करवाना है, बट पूरा नहीं करवाना, केवल 60% करवाना है, 60% का मतलब 3/5, और कितने की एफिशिएंसी से, 1/3 की एफिशिएंसी से 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो देखिए, इसको आप काट लीजिए, आपका कितना बनेगा,
पांच से कटेगा, 5 दूनी 10, तो 3 तिया 9 दूनी 18 दिनों में काम हो जाएगा। ये आपका आंसर है ऑप्शन 1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए, टू पाइप्स पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 16 आवर्स एंड 24 आवर्स रेस्पेक्टिवली, वेयर एज पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 40 आवर्स। ठीक है, देखिए तीन पाइप हैं, दो भरने वाले हैं ए और बी, और मान लेते हैं सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी, ए लेता है 16 घंटे, बी लेता है 24 घंटे, और सी लेता है खाली करने में 40 घंटे। ठीक है, इसको मैं माइनस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, अब मैं इनका टोटल वर्क ले लेता हूं। देखिए टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 240। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करता हूं, तो ए की एफिशिएंसी आएगी 16 से 15 बार, ए की एफिशिएंसी आएगी 15, बी की आ जाएगी 10, और सी की आएगी आपकी 6, यानी कि ये माइनस का 6। क्या कह रहा है, ऑल दी थ्री पाइप्स आर ओपन टूगेदर बट पाइप ए को क्लोज्ड आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे के बाद बंद किया है। अब मुझे एक चीज बताइए बड़ी छोटी सी सोच के, कि यार 10 घंटे बाद ही तो बंद किया है, इसका मतलब 10 घंटे तक तो ये तीनों ने तीनों साथ में चले हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 15 10 25 में से 6 गए तो 19, 19 की एफिशिएंसी से इन्होंने 10 घंटे में कितना भर दिया होगा, 190। ठीक है, अब 190 इन्होंने भर दिया है, 240 में से बचा कितना हुआ है, 50। अब कह रहा है उसके बाद आपका इसको ए को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ए को बंद कर दिया जाता है, तो ए को बंद कर दिया, बी और सी ये रिमेनिंग को कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक बी फिल्ड, तो वही रिमेनिंग पार्ट आपका 50 बचा हुआ है, और भरना किसको, बी और सी को, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10 में से 6 गए तो 4। ठीक है, तो 4 की एफिशिएंसी से ये भरना है, बी और सी को 4 की एफिशिएंसी से 50, 4 की एफिशिएंसी से कितना बचेगा, 25/2, यानी कि 12.5 है, 12 सही, 1/2, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। देखिए अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी की बात करता हूं, इसने एफिशिएंसी बोला है भाई, एफिशिएंसी यानी ए डबल, ए की एफिशिएंसी डबल है बी से, यानी एक बी की एफिशिएंसी 1 है, तो ए की एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, और कह रहा है दे फिनिश दी वर्क इन 13 डेज, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 3 की एफिशिएंसी से 13 दिन में कितना बन जाएगा मेरा, 39, ये आ गया मेरा टोटल वर्क। ठीक है, क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश दी वर्क, तो ये अब देखिए आपका टोटल काम है बी से करवाना है, टोटल काम है आपका 39, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, 1 की एफिशिएंसी से, तो 39 दिनों में काम हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए ए एंड बी कैन डू ए जॉब, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज, एंड ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 45 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो लिख लेते हैं, देखिए ए और बी मिलके इस काम को, किसी काम को कर सकते हैं 36 दिनों में, और कह रहा है बी और सी कर सकते हैं 60 दिनों में, बी और सी कर सकते हैं 60 दिनों में, और ए और सी कर सकते हैं कितने दिनों में, आपका 45 दिनों में। ठीक है, अब मैं टोटल वर्क मान लेता हूं, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, 180। ठीक, अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो एफिशिएंसी देखिए ए और बी की एफिशिएंसी आएगी 36 × 180 होता है 5, बी और सी की आएगी 6 × 18 यानी कि 3, और ए और सी की आएगी मेरी 45 × 180 यानी कि 4। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आपको ए से करवाना है। अब मुझे बताइए अगर मैं इन तीनों की एफिशिएंसी निकालता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों की एफिशिएंसी निकालता हूं, अगर मैं इनको जोड़ता हूं, तो 2 बार तो ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। ठीक है, तो अगर मैं 5 और 3 8 4 12, 12 को मैं 2 से भाग दे देता हूं, तो इन तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 6। भाई 5 और 3 8 4 12 का आधा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर ए से करवाना है, तो इन तीनों में से बी और सी का आप घटा दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए बी और सी की एफिशिएंसी आपकी कितनी है, यहाँ है 3, तो आप इस एक काम करिए इसमें से 3 घटा दीजिए, तो आपकी किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ये ए की, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 3। ठीक, अब कह रहा है जो ये टोटल काम है आपका 180, ये ए से करवाना है, 180 काम है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है आपकी, 3, 3 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में कर देगा, 3 × 18 यानी कि 60 दिनों में कर देगा, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, एक्स कैन डू ए वर्क इन 3 डेज, वाई डज दी 3 टाइम्स
द वर्क इन 8 डेज एंड जेड डज द 5 टाइम्स द वर्क इन 12 डेज। देखिए क्या कहना चाह रहा है, एक्स किसी काम को कर सकता है 3 दिनों में। अब देखिए जो ये बोल रहा है ना, वाई डज 3 टाइम्स ऑफ द वर्क इन 8 डेज। इस देखिए जो इसने ये बोला था एक्स किसी, देखिए इसका मतलब होता है एक्स एक काम को कर सकता है कितने दिनों में, 3 3 दिनों में। तो यानी कि टोटल काम कितने दिनों में कर देगा, यानी 3/1 दिन में। तो सेम यहां है कि ये 3 टाइम्स ऑफ द वर्क, यानी एक का 3 गुना, 3 गुना 3 टाइम्स ऑफ द वर्क इन 8 डेज, तो टोटल काम कितने दिनों में कर देगा, यानी 8/3। ठीक है, फ्रैक्शन में टोटल काम आपका एक होता है तो 8/3। तो मैं कह सकता हूँ वाई उस काम को कर सकता है 8/3 दिनों में, और इसी तरीके से जेड कर सकता है उस काम को कितना, 5 टाइम्स, तो यानी कि 12/5 दिनों में। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं टोटल वर्क मान लेता हूं कितना आ जाएगा आपका, 24। ठीक, अब देखिए इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो एक्स की एफिशिएंसी आएगी 3 8 24 8, वाई की आएगी 8 3 24 3 3 9, और जेड की आएगी 12 2 5 2 10। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ दे हैव टू वर्क टूगेदर फॉर 6 आवर्स इन ए डे। अब एक दिन में पूरे दिन काम नहीं करना, केवल 6 घंटे ही काम करना है एक दिन में, ये इंपॉर्टेंट है। इन हाउ मच टाइम दे कैन कंप्लीट द वर्क। अब देखिए आपके तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 9 8 17 10 27, तीनों की एफिशिएंसी 27 है। ठीक है, और टोटल वर्क आपका कितना है, 6। अब देखिए आपको क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई जो 27 की एफिशिएंसी से ये पूरे दिन नहीं, केवल 6 घंटे, दिन में से केवल 6 घंटे काम करना है, तो ये टोटल काम है जो 24, ये आपका टोटल वर्क आ गया भाई, एफिशिएंसी इनटू में टाइम। ठीक, और टोटल वर्क आपका है कितना, 24, ये मैंने बराबर रख दिया। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका 3 से काटिए, 3 9 27, और 3 2 6, और 3 से काटिए, 3 3 9, और 3 से काटेंगे 3 8 24, कितना बनेगा, 8 2 16/3। तो नंबर ऑफ डेज आएंगे आपके 16/3। 16/3 का मतलब क्या है आपका, 5 घंटे तो कंप्लीट हो गए, और 1/3 होता है आपका 20 30 60, यानी कि 20 मिनट। तो यानी 5 घंटे 20 मिनट का टाइम लगेगा आपको। देखिए 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, 5 घंटे और 20 मिनट। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए व्हेन ऑपरेटेड सेपरेटली पाइप ए टेक्स 5 आवर्स लेस देन पाइप बी टू फिल ए सिस्टर्न, एंड व्हेन बोथ द पाइप्स आर ऑपरेटेड टूगेदर द सिस्टर्न गेट्स फिल्ड इन 6 आवर्स, इन हाउ मच टाइम विल पाइप बी फिल द सिस्टर्न इफ ऑपरेटेड सेपरेटली। ठीक है, देखिए ये कहना चाह रहा है दो पाइप है ए और बी। ठीक है, कह रहा है पाइप ए 5 घंटे कम लेता है बी से, अगर बी x+5 लेता है तो ए लेता है केवल x घंटे। ठीक है, अब मैं टोटल वर्क मान लेता हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट ही ले लेते हैं, x(x+5)। ठीक, अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो एफिशिएंसी आएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी x+5, और बी की आ जाएगी आपकी x। अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया आपका, 2x+5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है जब इनको एक साथ खोला जाता है तो 6 घंटे में भर जाता है, तो हमें पता है हमारा टोटल वर्क होता है वो एफिशिएंसी इनटू में टाइम होता है, ये आपकी दोनों की एफिशिएंसी, और दोनों समय कितना ले रहे हैं, 6 घंटे। तो एफिशिएंसी में इनटू में टाइम आपका टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कि 2x+5 इनटू में 6 बराबर आपका आ जाएगा टोटल वर्क आपका x(x+5)। या तो आप यहाँ वैल्यू आपका हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखिए मैं इसको एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बता देता हूं आपको। बनेगा आपका इधर 6 दूनी 12x+6 5 30 बराबर x² + 5x। अब आप इनको इधर ले जाएंगे तो बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 12 जाके इधर माइनस का होगा, तो 7x - 30 = 0। आप क्लियरली देख सकते हो 10 और 3 का पेयर बनेगा, 10 माइनस का होगा, तो यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, अगर x की वैल्यू आपकी 10 आ चुकी है तो आपका देखिए टोटल वर्क कितना आ जाएगा, फिर आपका टोटल वर्क हो जाएगा आपका 10 × 15। ठीक है, और कह रहा है b से करवाना है, b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 10। ठीक है, तो ये आपको b से करवाना है कितना काम, 10 × 15 आपका टोटल काम है, और b की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, 15 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं,
क्या कह रहा है, टू पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर्स एंड 4 आवर्स रेस्पेक्टिवली। देखिए दो पाइप है, मान लेता हूं ए और बी, ए भर सकता है 15 घंटे में और बी भर सकता है उसको 4 घंटे में, व्हाइल ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स। एक सी पाइप है जो कि खाली करने वाला पाइप है, मैं इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर देता हूं और ये 12 घंटे लेता है खाली करने में। ठीक, अब मैं इनका टोटल वर्क ले लेता हूं, कितना आ जाएगा आपका 60। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, तो एफिशिएंसी आएगी, ए की आएगी 15 चौका 60 4, बी की आएगी 4 से 15 और बी की आएगी आपकी 12 पंजे 60 यानी कि -5। ठीक, कह रहा है हाई हाउ लॉन्ग इन आवर्स विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। अब देखिए तीनों को एक साथ खोला जाता है तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी, 15 में से 5 गए तो 10 10 4 14। ठीक, तो भाई तीनों से भरवाना, ए प्लस बी प्लस में सी, ये माइनस का है, कितने में टोटल काम है आपका 60 और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 14, तो कितना आ जाएगा आपका काट के 30/7, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन वन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, बी अलोन कैन डू 66.2/3% ऑफ द सेम वर्क इन 30 डेज। तो देखिए भाई ए और बी इस किसी काम को कर सकते हैं 25 दिनों में, और बी अकेला 2/3 काम को, 66.2/3% का मतलब होता है 2/3, 2/3 को 30 दिनों में करता है। देखिए 2/3 को 30 दिनों में करता है तो 2 से 15, 15 से 45, बी कर देगा 45 दिनों में। ठीक, कह रहा है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट 4/15 पार्ट ऑफ द वर्क। तो देखिए मैं पहले टोटल वर्क मान लेता हूं, कितना आ जाएगा आपका, आपका आएगा 5 कॉमन लेके आपका 9 पंजे 45, पंजे कितना होगा 5 पंजे 25, 5 चौके 20 और 2 22, यानी कि 225 आपका टोटल वर्क आ जाएगा। अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी आएगी 25 नम्बर 225 होता है 9, और बी की आएगी 45 पंजे 125 होता है 5, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, भाई दोनों की 9 है जिसमें से बी की 5 है, तो ए की कितनी आ जाएगी, ए की कितनी आ जाएगी 4। ठीक, अब कह रहा है कि ये जो टोटल काम है 225, ये ए से करवाना है। ठीक है, 225 काम टोटल नहीं करवाना, इसका केवल 4/15 पार्ट करवाना है। 4/15 पार्ट कितने की एफिशिएंसी से, ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई, ए की एफिशिएंसी आपकी 4, यानी 4 की एफिशिएंसी से, तो 4 से 4 कट जाएगा, 15 नम्बर 225 होता, 15 15 225 होता है, तो 15 दिनों में भर देगा, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज, ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 45 डेज। देखिए ये कहना चाह रहा है ए और बी मिलके किसी काम को कर सकते हैं 36 दिनों में, और बी और सी मिलके उस काम को कर सकते हैं 60 दिनों में, और आपका ए और सी मिलके कर सकते हैं उस काम को 45 दिनों में। ठीक, अब देखिए मैं टोटल वर्क ले लेता हूं, टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 180। तो अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो एफिशिएंसी आएगी ए और बी की 36 पंजे 125, 5, बी और सी की 3 और ए और सी की 4। ठीक, अब देखिए अब मैं ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी निकालता हूं, तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये डबल डबल टाइम्स आएंगे तीनों, 2 ए 2 बी 2 सी। ठीक है, तो मैं 2 से भाग दे देता हूं, इनको जोड़ के 5 और 3 8 4 12 का आधा यानी कि 6 आ गई इन तीनों की एफिशिएंसी। आपको करवाना है काम बी से। ठीक है, तो आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए कि अगर मैं इन तीनों में से बी से आपको करवाना है तो ए और सी को घटा देता हूं तो बी का बच जाएगा, बी की एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी 6 है जिसमें से ए और सी की एफिशिएंसी आपकी 4 है, इसमें से 4 मैं घटा देता हूं तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरी 2। ठीक, अब देखिए आपको बी से करवाना है ये काम, बी से करवाना है 180 काम है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 की एफिशिएंसी से करवाना है, 2 से कटेगा 90 बार, 90 दिनों में हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए पाइप्स ए बी एंड सी फिल कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 30/7 आवर्स। ठीक है, इफ ऑल दी थ्री पाइप्स आर ऑपरेटेड साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर ए बी और सी तीनों पाइपों को एक साथ ऑपरेट किया जाता है तो ये 30/7 घंटे में भर सकते हैं किसी पाइप को। ठीक है, कह रहा है
ए एंड बी आर फिलिंग पाइप्स एंड सी इज एन एम्पटिंग पाइप, यानी ए और बी भरने वाले पाइप और सी खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 15 आवर्स एंड पाइप सी कैन एम्पी इट इन 12 आवर्स। कह रहा है कि ए इसको कितने में, 15 घंटे में भर सकता है और सी है वो 12 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, ये खाली करने वाला पाइप है, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, इन हाउ लॉन्ग इन आवर्स कैन बी पाइप बी अलोन फिल द टैंक। तो बी की एफिशिएंसी आप निकालिए पहले। अब आप बड़ा ध्यान से सोच के पहले आप एक काम करिए, पहले इनका तीनों का एलसीएम लीजिए, टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका 60। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 30 दूनी 60, 7 दूनी 14, तीनों की एफिशिएंसी 14 आ गई। और ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 15 चौका 60 4, और सी की आएगी 12 पंजे 60, यानी कि -5। ठीक, अब देखिए आपको 14 बनाना है टोटल। ठीक है, तो आप मुझे बताइए मैं बी की यहां क्या वैल्यू रखूं कि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, -1। तो मैं बी में से बी की वैल्यू क्या रखूं कि -1 उसमें से -1 घटाने के बाद आपका 14 बचे, यानी कि मुझे 15 रखनी पड़ेगी। अब आप देखिए इन तीनों को जोड़ने के बाद 15 में से 5 गए 10, 10 4 14, आपका टोटल 14 बन जाता है। तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी आपकी 15 आ चुकी है। ठीक है, कह रहा है बी अब इस टोटल काम को भाई बी से करवाना है। ठीक, बड़ा ध्यान से देखेंगे भाई, टोटल काम बी से करवाना है आपको। टोटल काम है आपका 60 और बी की एफिशिएंसी आपने निकाली है 15। 15 की एफिशिएंसी से कितना समय लेगा, 4 घंटे। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है बहन। ऑपरेटेड सेपरेटली पाइप ए टेक्स 5 आवर्स लेस देन पाइप बी टू फिल ए सिस्टर्न। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पूछा क्या है, यहाँ ए ए से कि ए कितने समय में भरेगा ये पूछा है, वहां बी की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, तो देखिए लिख लेते हैं, पाइप ए टेक्स 5 आवर्स लेस देन बी। दो पाइप हैं ए और बी, ए है 5 घंटे कम लेता है, अगर बी x+5 लेता है तो ए x लेता है, यही कहना चाह रहा है। मैं टोटल वर्क ले लेता हूं, कितना आ जाएगा मेरा x(x+5)। अब इनकी एफिशिएंसी की अगर बात करते हैं तो कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी, आएगी ए की आएगी x+5 और बी की एफिशिएंसी आएगी एक्स। तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया भाई, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2x+5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, व्हेन ऑपरेटेड टुगेदर द सिस्टर्न गेट्स फिल्ड इन 6 आवर्स। तो भाई ये आपकी एफिशिएंसी है, ठीक, और ये 6 आवर्स आपका टाइम है, और एफिशिएंसी इनटू में टाइम आपका टोटल वर्क होता है। तो मैं कह सकता हूं कि 2x+5 × 6, ये आपका टोटल वर्क हो गया, और मेरे हिसाब से टोटल वर्क मैंने माना कितना था, x(x+5)। तो आपका दोनों को बराबर रख देते हैं। ठीक, अब देखिए आपको यहां इसको x की वैल्यू निकालनी है इसको सॉल्व करके। तो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको निकाल के बता के आ रहा हूं कि आपका x की वैल्यू 10 आई थी, बट आप हिट एंड ट्रायल से भी अगर 10 रख के देखते हो तो देखिए 10 2 20, 20 5 25, 25 6 150, और यहां देखते हो तो 10 × 15, 15 × 150 आ जाता है। तो इसका मतलब मेरी एक्स की वैल्यू आ चुकी है 10। ठीक, अब क्या कह रहा है, ये ए से भरवाना है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 10 और 5 15। ठीक है, और टोटल वर्क कितना आएगा आपका, टोटल वर्क आएगा आपका 10 × 15। ठीक है, अब देखिए ये आपको ए से भरवाना है, टोटल काम है आपका 10 × 15, और किससे, ए से, और ए की एफिशिएंसी है 15 की एफिशिएंसी से, तो कितना आ जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, 10 आपका आंसर होगा, 10 घंटे, ऑप्शन 2। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट सम वर्क इन 35 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। तो देखिए भाई ए किसी काम को कर सकता है 35 दिनों में, बी कर सकता है उस काम को 15 दिनों में। आगे क्या कह रहा है, वर्क टुगेदर फॉर 8 आवर्स 8 डेज। तो देखिए मैं टोटल वर्क मान लेता हूं पहले, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 105। ठीक, अब देखिए इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं पहले, तो ए की एफिशिएंसी आएगी 35 से 105 3, और बी की आएगी 15 से 105 7। ठीक है, अब कह रहा है ये 8 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इनका एक दिन का काम कितना है मुझे बताइए, 7 3 10, अगर ये एक दिन में 10 काम करते हैं तो 8 दिनों में कितना काम कर देंगे, ये 8 दिनों में कर देंगे ये 80 80 काम इन्होंने कर दिया है 105 में से, तो काम बचा हुआ कितना है भाई, 25। ठीक, अब क्या कह रहा है, उसके बाद भाई बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, 8 डेज देन बी लेफ्ट द वर्क, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क।
रिमेनिंग वर्क कितना है आपका 25। अब देखिए बड़ा ध्यान से आप समझेंगे भाई, आपको करवाना है काम बी से, बी ने छोड़ दिया, ए से करवाना है काम, करवाना है आपको ए से। टोटल काम आपका बचा कितना है जो आपको करवाना है, रिमेनिंग वर्क 25। ठीक, अब ये टोटल नहीं करवाना, इसका केवल 60% करवाना है। 60% का मतलब 3/5 हिस्सा ही करवाना है इसका, और किससे करवाना है, ए से। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 की एफिशिएंसी से, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो देखिए आपका 3 से 3 कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 दिन आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए पंप कैन फिल ए टैंक विद वाटर इन 3 आवर्स बिकॉज ऑफ द लीक, इट टुक 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। ठीक है, इन हाउ मेनी आवर्स कैन द लीक अलोन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक व्हेन इट इज फुल। ठीक है, कितने समय में यानी लीकेज उसको खाली कर सकता है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, पाइप ए उसको भरने में लेता है 3 घंटे। ठीक है, अब लीकेज के कारण उसने 1/3 घंटे ले लिए भाई, ए प्लस में बी खाली करने वाला पाइप है जिसकी वजह से उसको 10/3 घंटे लग गए। ठीक है, अब मैं इनका टोटल वर्क ले लेता हूं, टोटल वर्क आएगा इन दोनों का एलसीएम कितना, 30। ठीक, ए की एफिशिएंसी आएगी, अब इनकी एफिशिएंसी अगर मैं निकालता हूं तो ए की एफिशिएंसी आएगी 3 × 30, यानी कि ए की एफिशिएंसी 10 आ गई, और इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 10 × 3 = 9। अब आप मुझे बताइए कि मैं यहां बी की क्या वैल्यू रखूं, देखिए बी की मैं यहां क्या वैल्यू रखूं कि 10 में से उसको घटाने के बाद 9 आ जाए, तो मुझे ऑब्वियसली 1 रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब कह रहा है भाई टोटल काम आपका 30 है, ठीक, और ये करवाना है बी से, खाली करवाना है, टोटल 30 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, 1 की एफिशिएंसी से कितना समय लेगा आपका, 30 घंटे। ऑप्शन ठीक है, कौन सा है, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन 15, 30 और 40 आवर्स रेस्पेक्टिवली। पाइप्स ए बी एंड सी आर ऑपरेटेड आर ओपन एट 6 AM, 8 AM और 10 AM रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑन द सेम डे व्हेन विल द टैंक बी फुल। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 3 पाइप है ए बी और सी, कह रहा है ए भर सकता है उसको 15 घंटों में, बी भर सकता है उसको 30 घंटों में, और सी भर सकता है उसको 40 घंटों में। अब मैंने टोटल वर्क ले लिया इनका, तीनों का एलसीएम कितना, 120। ठीक, अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, तो ए की एफिशिएंसी आएगी आपकी 15 × 8 = 120, 8, बी की आएगी 30 × 120 = 4, और सी की आएगी 40 × 120 = 3। ठीक है, अब देखिए ये 3 पाइप हैं, बड़ा ध्यान से समझेंगे, ए बी और सी। ए को खोला जाता है 6 बजे, ठीक है, और बी को खोला जाता है 8 बजे, और सी को खोला जाता है 10 बजे। ठीक ठीक है जी, अब आप मुझे बताइए, बड़ा ध्यान से सोच के बताएंगे, देखिए भाई 6 बजे से 10 बजे तक ए कितने घंटे चला, 4 घंटे, इसका मतलब ए चला है आपका 4 घंटे तक, और बी 8 बजे से 10 बजे तक कितने घंटे चला है, 2 घंटे, इसका मतलब बी चला है आपका 2 घंटे, और सी तो 10 बजे, यानी सी तो चला ही नहीं है, 10 बजे चला है, 10 बजे बंद कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि ए ए ने कितना काम, कितना भर दिया होगा भाई, ए ने 8 की एफिशिएंसी से 4 घंटे में कितना, 32, और बी ने 4 की एफिशिएंसी से 2 घंटे में कितना, 8, तो इन्होंने टोटल भर कितना दिया, 40 भाई, 40 इन्होंने भर दिया, तो बचा कितना आपका, 80। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब देखिए अब भाई ये भर चुका है, ये आपका 40 भर चुका है, बचा कितना है, 80। ठीक है, अब इसमें कितना समय लगेगा भाई, यहां तक आपका काम हो चुका है, उसको तो हटा ही दिया, अब इस ये तीनों से ही करवा लेते हैं, अब तो भाई उसके बाद तो 3 ही चल रहे हैं, तो 8 और 4 = 12 और 3 = 15 की एफिशिएंसी से जो टोटल काम है 80, मैं लिख देता हूं एक बार, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल काम है आपका 80, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी, 8 + 12 और 3 = 15, 15 की एफिशिएंसी से, तो देखिए 5 से काटिए 16 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, तो कितना समय लगा, 3 × 15 और 1/3 यानी 5 घंटे, और आपका 1/3 बचा यानी कि 20 × 60 यानी 20 मिनट। अब देखिए ये कहानी आपकी 10 बजे के बाद की है, क्योंकि भाई
ये जो 10 बजे तक इन्होंने काम कर लिया वो तो मैंने घटा दिया था, तो जो 10 बजे के बाद ये तीनों चले हैं, तो मैंने 10 बजे के बाद की कहानी है, तो इसका मतलब 10 बजे के बाद 5 घंटे 20 मिनट और जोड़ दीजिए, दो जोड़ दीजिए 10 5 15, यानी 3:20 PM में ये भर जाएगा, तो जो टाइम होगा आपका 3:20 PM में, ठीक, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए, पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, पी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज, इन हाउ मेनी डेज क्यू अलोन कैन कंप्लीट द 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। इजी सा क्वेश्चन है, देखिए, पी और क्यू किसी काम को कर सकते हैं 12 दिनों में, पी अकेला उस काम को कर सकता है 18 दिनों में, और कह रहा है क्यू अकेला कितने समय में करेगा। तो देखिए, मैं टोटल वर्क मान लेता हूं पहले, इनका कितना आ जाएगा आपका 36 मान लेता हूं, ठीक, तो पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, पी और क्यू की एफिशिएंसी 12 + 36 = 3, और पी की एफिशिएंसी 18 × 36 = 2। अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी में से अगर इस पी की 2 घटा देता हूं, तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 1, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज क्यू अलोन कैन डू द 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क। अब देखिए, आपको क्यू से करवाना है काम, और ये टोटल काम है 36, ये पूरा नहीं करवाना, केवल इसका 2/3 पार्ट करवाना है, ठीक है, तो इसका 2/3 पार्ट, और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 1, यानी 1 की एफिशिएंसी से बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 से कटेगा ये कितनी बार, 12 बार, 12 × 2 = 24, यानी कि 24 दिनों में हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट के साथ जल्दी जल्दी आपके सामने ज्यादा से ज्यादा लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स एंड 18 आवर्स रेस्पेक्टिवली। देखिए, 2 पाइप हैं, ए भर सकता है उसको 12 घंटे में, और बी भर सकता है उसको 18 घंटे में, ठीक, कह रहा है बोथ पाइप्स आर ऑपरेटेड साइमल्टेनियसली, इन हाउ मच टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड कंप्लीटली, तो खाली टैंक को वो कितने समय में भर देंगे। तो देखिए, वही सेम क्वेश्चन है, ए 18 12 दिनों में कर सकता है, बी 18 दिनों में, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 12 × 18 / 12 = 30, ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए, 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, आप एक काम करिए, ऊपर नीचे 2 से गुना करके ये बन जाएगा 6, नीचे बन जाएगा 10, तो 12 × 72, यानी 7.2, 7.2 का मतलब है आपका 7 घंटे 20 मिनट, ठीक, 7 घंटे और 20 मिनट, ठीक, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए, ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी, तो इनकी एफिशिएंसी की बात की गई है, अगर मैं एफिशिएंसी लेता हूं, तो अगर बी की एफिशिएंसी 1 है, तो ए की एफिशिएंसी 2 है, कह रहा है दोनों मिलके इस काम को 13 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा, 13 गुना में, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3, ठीक, 13 गुना में 3 ये टोटल वर्क आ गया, कह रहा है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। आप मुझे बताइए, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो आपका ए से करवाना है ये काम, टोटल काम है आपका 39, और ए की एफिशिएंसी 2 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन में, 19.5 दिनों में, 19 सही, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए, ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 10 डेज एंड 5 डेज रेस्पेक्टिवली। देखिए, 2 बंदे ए और बी इस काम को कर सकते हैं 10 दिनों में और 5 दिनों में, ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, पहले मैं इनका टोटल वर्क ले लेता हूं, कितना आ जाएगा, 10, अब इनकी एफिशिएंसी ले लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी आएगी, ए की एफिशिएंसी आएगी 10 × 10 = 1, बी की आएगी 2, ठीक, अब देखिए दोनों की एफिशिएंसी, दोनों का 1 दिन का काम हो गया 3, ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, तो मुझे बताइए 3 की एफिशिएंसी से इन्होंने 2 दिनों में कितना काम कर दिया, 6, 6 इन्होंने कर दिया काम, कितना बचा है, 4, ठीक है, आफ्टर विच बी वाज रिप्लेस्ड बाई सी, बी ने छोड़ दिया और सी यहां पे शामिल हो गया, ठीक, कह रहा है एंड द वर्क वाज फिनिश्ड इन नेक्स्ट 3 डेज, भाई काम आपका बचा था कितना, 4, ठीक, तो ये चार काम अगले 3 दिनों में हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरी ए और सी ने किया है भाई बचा हुआ काम, तो मैं कह सकता हूं कि ये ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4/3, ठीक,
ठीक है, क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल सी अलोन टेक टू फिनिश दी 40% ऑफ दी जॉब। अब देखिए आपका ये ए और सी की एफिशिएंसी 4/3 है, जिसमें से ए की एफिशिएंसी 1 है। अगर आप सी की एफिशिएंसी निकालोगे तो 1 घटाओगे इस 4/3 में से, आप 1 घटाइए, 3 एकम 3 यानी 1/3 बचेगा आपका। तो मैं कह सकता हूं कि सी की एफिशिएंसी आ चुकी है 1/3। ठीक, अब देखिए आपको इसी से करवाना है ये काम। ठीक, तो आपका भाई काम कितना था टोटल आपका 10। ठीक है, ये 10 काम आपको करवाना है सी से, 10 काम ये पूरा नहीं करवाना, केवल 40%, 40% का मतलब 2/5 काम करवाना है। किससे करवाना है? सी से। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1/3 की एफिशिएंसी से 3 चला जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, आप देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए आपका 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दिन आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 16 आवर्स एंड 24 आवर्स रेस्पेक्टिवली, वेयर एज पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 40 आवर्स। देखिए सेम डाटा के साथ ये क्वेश्चन है, ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन टूगेदर बट पाइप सी इज क्लोज्ड। इस बार सी क्लोज किया गया है, वहां शायद ए क्लोज किया गया था, क्लोज्ड आफ्टर 10 आवर्स। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है। ये 3 पाइप हैं, ए भर सकता है उसको 16 घंटे में, बी भर सकता है उसको कितने में, 24 घंटे में, और सी खाली करने वाला पाइप है, मैं इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये 40 घंटे में खाली कर सकता है। अब मैं इनका टोटल वर्क मान लेता हूं कितना, इन तीनों का एलसीएम कितना आपका बनेगा 240। ठीक, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो एफिशिएंसी आएगी देखिए, ए की आएगी आपका 16 से 15 बार, और बी की आएगी 10, और सी की आएगी कितनी आपका 4 6 24 माइनस का 6। अब मुझे बताइए तीनों का एक दिन का काम कितना है, भाई तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 15 10 25 में 6 गए तो 19। ठीक, अब ये कह रहा है कि ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन टूगेदर, तीनों को एक साथ खोला गया, बट पाइप सी इज क्लोज्ड आफ्टर 10 आवर्स। अब देखिए भाई 10 घंटे बाद अगर बंद किया है तो इसका मतलब 10 घंटे तक तो ये तीनों ने काम किया ही है, 19 की एफिशिएंसी से 10 घंटे में इन्होंने कितना भर दिया होगा, 190। ठीक, 190 इन्होंने भर ही दिया है तो काम बचा कितना हुआ है, 50। ठीक, उसके बाद कह रहा है सी इज क्लोज्ड, सी को बंद कर दिया, तो यानी कि ये 15 10 25 की एफिशिएंसी से ये काम करवाना है आपको, किससे करवाना है, ए प्लस बी से, सी को तो बंद ही कर दिया है, काम बचा है 50, और 25 की एफिशिएंसी से, दोनों की एफिशिएंसी 25 है, कितने समय में कर देंगे, तो 25 दूनी 50 यानी कि 2 घंटे में, ये आपका आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए ए कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 35 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। लिख लेते हैं पहले इतना, ए किसी काम को कर सकता है 35 दिनों में, और बी उस काम को कर सकता है 15 दिनों में। ठीक है, मैंने टोटल वर्क मान लिया, दोनों का एलसीएम कितना, 105। ठीक, अब इनकी एफिशिएंसी ले लेते हैं, एफिशिएंसी आएगी ए की आएगी 35 105 3, और बी की आएगी 15 7 105 7। क्या कह रहा है, दे वर्क टूगेदर फॉर 7 डेज देन बी लेफ्ट दी वर्क। ठीक है, अब देखिए दोनों की एफिशिएंसी, दोनों का एक दिन का काम कितना है, 10 यूनिट, और मुझे बताइए इन्होंने कितने दिन तक साथ में काम किया है, 7 दिनों तक, तो 10 की एफिशिएंसी से इन्होंने 7 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 70, इसमें से 70 आप घटा दीजिए, काम बचा कितना हुआ है, 35। ठीक है जी, ठीक है, 35 काम बचा हुआ, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। फिर क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। देखिए आपको ए से करवाना है, रिमेनिंग वर्क था कितना आपका 35, अब ये पूरा नहीं करवाना, इसका केवल 60% करवाना है, 60% का मतलब होता है आपका 3/5, और किससे करवाना है, ए से, और ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 3। ठीक है, 3 की एफिशिएंसी से, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा ये, देखिए 5 3 से तो 3 कट जाएगा, 5 7 35, 7 दिन में हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए पंप कैन फिल ए टैंक विद वाटर इन 1 आवर बिकॉज ऑफ ए लीक। लीक के कारण इसने 1 से 1/3 घंटे लिए उस टैंक को भरने में। ठीक है, क्या कह रहा है, हाउ मेनी आवर्स कैन लीक अलोन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक व्हेन इट इज फुल। जब टैंक फुल है तो जो खाली करने वाले पाइप है कितने समय में इस पूरे पानी को निकाल देगा, ये कहना चाह रहा है। देखिए एक पाइप है ए जो 1 घंटे में भर सकता है किसी टैंक को, बट लीकेज के कारण बी एक खाली करने वाला पाइप है, मैं इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो इस
खाली करने वाले पाइप की वजह से दोनों ने मिलकर कितना समय लिया? 1 से 1/3 घंटे। तो मैं कह सकता हूं 1 + 1/3 कितना बनेगा मेरा, 3 × 3 = 4/3 समय लिया। ठीक है, अब मैं टोटल वर्क मान लेता हूं दोनों का एलसीएम कितना, 4। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो एफिशिएंसी की बात करते हैं, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और दोनों की एफिशिएंसी आएगी कितनी, 3। अब आप मुझे बताइए, बी खाली करने वाला पाइप है, 4 में से मैं क्या घटाऊं कि 3 आ जाए? ठीक है, तो 4 में से ऑब्वियसली 1 घटाना पड़ेगा, तो बी की एफिशिएंसी आ चुकी है मेरी 1। कह रहा है ये कितने समय में खाली कर देगा, आपको खाली करवाना है बी से, और ये टोटल काम है आपका 4 और 1, बी से खाली करवाना, बी की एफिशिएंसी 1, 1 की एफिशिएंसी से ये आपका 4 घंटे में खाली कर देगा, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 12.5 आवर्स एंड 25 आवर्स रेस्पेक्टिवली। देखिए दो पाइप हैं ए और बी, आपका ए भर सकता है 25/2 घंटे में और बी भर सकता है 25 घंटे में। ठीक, कह रहा है द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, इट इज फाउंड दैट ड्यू टू ए लीकेज इन द बॉटम इट टुक 1 आवर एंड 40 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टर्न। आप मुझे बताइए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मानिए देखिए कहना क्या चाह रहा है, मैं पहले इनकी बात कर लेता हूं, मैंने टोटल वर्क ले लिया इनका कितना, 25। ठीक, तो ए की एफिशिएंसी आ चुकी है मेरी 2 और बी की एफिशिएंसी आ चुकी है 1। ठीक है, अगर मैं ए और बी से काम करवाना चाहूं, ए और बी से देखिए इधर लिख देता हूं, अगर मैं ए और बी से ये काम करवाऊं तो कितना समय लगेगा, 25/3, भाई दोनों की एफिशिएंसी 3 है, टोटल काम है 25, तो 25/3 लगना था, बट कह रहा है लीकेज के कारण 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगे। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब है 1 + 40/60 यानी 2/3, 3 × 3 = 5/3 ज्यादा लगे। ठीक है, तो ए प्लस में बी प्लस में सी कितना समय लगा आपका, 25/3 तो लग ही रहा था दोनों को, इसमें 5/3 ज्यादा लगा यानी 30/3 यानी कि 10 घंटे ज्यादा लगे। ठीक है, 10 घंटे ज्यादा लगे। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हेन द सिस्टर्न इज फुल इन हाउ मच टाइम विल लीक एम्प्टी द सिस्टर्न। ठीक है, यहां देखिए 10 घंटे ज्यादा लगे हैं। ठीक है, तो 10 की एफिशिएंसी से तीनों को ये कितना आ जाएगा, 25/10 यानी कि टोटल 30 घंटे यानी 5/3 घंटे ज्यादा लगे, यानी कि टोटल 10 घंटे लगे। टोटल टाइम इन्होंने कितना लिया, 25 की एफिशिएंसी, 25 टोटल वर्क है, 10 की एफिशिएंसी, 10 10 यानी टाइम है आपका 10 घंटे, यानी 10 घंटे में कितनी एफिशिएंसी आई इनकी, 2.5। ठीक है, तो मैं यहां लिखने की बजाय इसको इधर लिख देता हूं, देखिए आपकी आपका तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 25/10 यानी कि 2.5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप बड़ा ध्यान से देखिए भाई, दोनों की एफिशिएंसी, यहां एक पाइप और है सी खाली करने वाला है, अब इन दो ए और बी यानी हो गया आपका 2 और 1 3, 3 में से मैं सी की एफिशिएंसी क्या घटाऊं कि 2.5 आ जाए, 3 में से मैं क्या घटाऊं कि 2.5 आ जाए, 0.5 या 1/2। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी सी की एफिशिएंसी 1/2 आ चुकी है, तो आपको सी से ही खाली करवाना है, टोटल आपकी एफिशिएंसी कितनी है, 25। ठीक है, 25 को आपको और देखिए कितने की एफिशिएंसी से, 1/2 की एफिशिएंसी से, तो 2 चला जाएगा ऊपर यानी कि 50 घंटे में खाली कर देगा ये, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। देखिए पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, कह रहा है पी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर सकता है। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज क्यू एलोन कंप्लीट 2/3 ऑफ द सेम वर्क। तो देखिए पहले मैं टोटल वर्क मान लेता हूं कितना, 36, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो एफिशिएंसी कितनी बनेगी आपकी, 12 + 36 3, दोनों की एफिशिएंसी 3 आ गई और पी की आ जाएगी 1। ठीक है, तो मुझे बताइए क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, भाई दोनों की में से मैं अगर पी की घटा देता हूं तो क्यू की आ जाएगी 3 में से 1 गया तो 2। ठीक, क्यू की एफिशिएंसी आ चुकी है आपकी 2, क्या कह रहा है आपको क्यू से ही ये काम करवाना है। ठीक है, तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी, इधर ही लिख देता हूँ, क्यू से आपको करवाना है क्योंकि 36 काम है टोटल जो आपको करवाना है, और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 2, 2 की एफिशिएंसी से करवाना है, बट ये पूरा नहीं करवाना, इसने बोला है कि 2/3। ठीक है, तो इसका 2/3, तो आपका 2 से 2 कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 12 बार, यानी कि 12 दिन में काम हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। ठीक,
तो दोस्तों इस तरीके से आपके ये टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आपके सीपीओ 2020 के सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस थे ये। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, मैं आपसे फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इससे देखिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा और कोई बात नहीं है, और मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।